चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक की घटनाचक्र वार्षिकांक जो ई दृष्टि निकलता है ना उसी को। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा था, आपका विधि और न्याय जो भी परिदृश्य है, जो भी आपकी 19-20 में घटनाएं इससे घटी हुई हैं, उन सब के बारे में बात कर चुके थे। अब बात कर लेते हैं हम लोग वर्ष दिवस और सप्ताह जिस रूप में मनाए जाते हैं, इनकी क्या थीम है। आप देखते हैं हमेशा इनसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए आप लोग, पेपर उसमें आपके हमेशा पूछे जाते हैं, और थीम विशेषता आप लोग याद रखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विश्व जल सप्ताह, तो ये तिथि 24 से 28 अगस्त 2020 के बीच मनाया गया है। क्या? विश्व जल सप्ताह, क्योंकि आप जानते हैं जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इस बार की थीम क्या रही है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। ठीक है, इस थीम को जरूर याद रखिए, क्योंकि आप सिविल सर्विस में देखते हैं कि थीम अधिकतर बार पूछ लेती है, वन डे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। फिर आप देखेंगे अर्थ ओवरशूट डे 2020, तो ये आपका कब मनाया गया, 22 अगस्त 2020 को। यह वह अनुमानित दिन है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर चुका होता है। फिर बात करते हैं विश्व मानवतावादी दिवस, तो ये देखेंगे 19 अगस्त 2020 की बात है। टैगलाइन क्या रही है, हैच रियल लाइफ हीरोज, हीरोइन। ठीक है, हीरो मतलब आप समझ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 दिवस, अच्छे से पढ़ लीजिए, अंतरराष्ट्रीय बोल रहा हूं। ठीक है, तो यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इस बार की थीम रही है। आप लोग नीचे लिख भी सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में बहुत पहले बात कर चुके हैं, और वैसे भी आपको याद होगा। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त 2020 को, इसका मुख्य विषय क्या रखा गया है, जैव ईंधन आत्मनिर्भर भारत की ओर। ठीक है, पर आप देखेंगे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, ये महिला अधिकार दिवस नहीं है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, तो 1 अगस्त 2020 को। यह दिवस तीन तलाक खात्मे की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया है। ठीक है, तीन तलाक आपने देखा होगा ना, ये उसी में। फिर आप देखते हैं कि विश्व संस्कृत दिवस, तो ये 3 अगस्त को मनाया जाता है, 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष श्रवण श्रवण मार्च पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। देखिए अब डेट इसमें अलग अलग बदलती रहेगी, 21 में अलग दिन मनाया जा सकते हैं, क्योंकि जिस दिन ये एक तरह से त्योहार होगा उसी दिन। ठीक है, फिर आप देखेंगे विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2020 के बीच मनाया गया है। इसके बाद की थीम यानी विषय का क्या रहा है, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थ हेल्थियर प्लानेट। ठीक है, तो इस थीम को याद रखिए विशेषता। चलते हैं आगे हम लोग, अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस, आप लोग मित्रता आजकल अच्छी निभाते हैं ना उसी की, तो 20 जुलाई 2020 की बात है। मुख्य विषय क्या है, दोस्ती के माध्यम से मानवीय भावना को साझा करना, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। फिर आप देखेंगे विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 31 जुलाई को मनाया गया, 30 जुलाई 2020 को मनाया गया। कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, इस बार की थीम रही है। फिर आप देखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है कब, 28 जुलाई 2020 को मनाया गया, 28 जुलाई 2020 को मनाया गया। ठीक है, हेपेटाइटिस दिवस, इसकी थीम क्या है, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, इस बार की थीम रही है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2020 को मनाया गया, विषय क्या है इस बार की थीम, स्किल्स फॉर ए रिसिलिएंट यूथ। ठीक है, आप देखेंगे 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया है, 29 जून 2020 की बात है। मुख्य विषय क्या है, SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य 3, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें एवं सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा दें, और SDG 5 यानी कि लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को अधिकार संबंध कर बनाए। ठीक है, फिर आप देखेंगे मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस, ये आपका 26 जून 2020 को मनाया गया है। थीम क्या रही है, बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी। ठीक है, फिर आप देखेंगे वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे
21 जून 2020 को मनाया गया है। हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ये आपकी थीम रही है। फिर आप देखते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है 21 जून 2020 को, इस बार की थीम क्या रही है, स्वास्थ्य के लिए योग घर घर, घर पर योग, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए योग, योग घर पर योग, आप लोग भी किया करिएगा। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2020 को मनाया गया, 20 जून 2020 को, एवरी एक्शन काउंट काउंट्स, ठीक है। फिर आप देखेंगे विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून 2020 को, सेव ब्लड सेव्स लाइफ, स्लोगन क्या रहा है, गिव ब्लड एंड मेक दी वर्ल्ड ए हेल्थियर प्लेस, ठीक है, आप भी लोग भी जाया करिएगा, ठीक है, और क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून 2020 को मनाया गया है, एक सतत महासागर के लिए नवाचार इस बार की थीम रही है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2020 को मनाया गया है, थीम क्या रही है, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। विश्व पर्यावरण दिवस आप जानते हैं 5 जून 2020 को मनाया गया है, मुख्य विषय क्या रहा है, थीम क्या रही है, जैव विविधता संरक्षण, और टैगलाइन क्या रही है, टैगलाइन को भी याद रखिए, प्रकृति के लिए समय। फिर आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है कब, 22 मई 2020 को, मुख्य विषय यानी कि थीम क्या रही है, हमारे समाधान प्रकृति में निहित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आप देखेंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो ये 9 मई 2020 को मनाया गया, याद रखिए कि यह दिवस वर्ष में दो बार मई और अक्टूबर माह की दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस तो 5 मई 2020 को मनाया गया है, विषय यानी कि थीम क्या रही है, जीवन की रक्षा करें अपने हाथ साफ रखें। फिर आप देखेंगे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है, ये 26 अप्रैल 2020 की बात है, मुख्य विषय क्या है, हरित भविष्य हेतु नव परिवर्तन, हरित भविष्य हेतु नव परिवर्तन। फिर आप देखेंगे कि विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल 2020 को मनाया गया है, विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल 2020 को मनाया गया है, जलवायु कार्रवाई इस बार की थीम या फिर कहिए आप लोग मुख्य विषय रहा, ठीक है। फिर आप देखेंगे विश्व विरासत दिवस तो ये 18 अप्रैल 2020 को मनाया गया है, मुख्य विषय क्या रहा है, साझा संस्कृति साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। फिर आप देखेंगे विश्व हीमोफीलिया दिवस आपको मालूम होना चाहिए 17 अप्रैल 2020 को मनाया गया है, मुख्य विषय क्या रहा है, गेट प्लस इन्वॉल्व, ठीक है। फिर आप देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2020 को मनाया गया है, नर्सों एवं दवाइयों का समर्थन करें, ठीक है, तो ये आपका मेन थीम रही है। पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर चेतना दिवस ये 5 अप्रैल 2020 को मनाया गया है, मुख्य विषय क्या रहा है, प्रेम और अंतर चेतना के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, थीम इस बार की ये है। आप देखेंगे फिर विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है 24 मार्च 2020 को, और मुख्य विषय क्या है, थीम क्या रही है, इट्स टाइम, ठीक है। फिर आप देखेंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है 23 मार्च 2020 को, मुख्य विषय क्या रहा है, जलवायु और जल। फिर आपको मालूम होगा कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च और 2020 को मनाया गया, इस बार की थीम क्या रही है, मुख्य विषय क्या है, वन और जैव विविधता। फिर आप जानते हैं कि विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, तो मनाया गया आपका 20 मार्च 2020 को, आई लव स्पैरो, ये आपका मुख्य थीम कह लीजिए या विषय रहा है। फिर आप देखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है 15 मार्च 2020 को मनाया गया है, कब, 15 मार्च 2020 को विश्व उपभोक्ता दिवस, थीम क्या रही है इस बार की, सतत उपभोक्ता, ठीक है। फिर आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है 8 मार्च 2020 को, इसमें आप देखेंगे मुख्य विषय क्या रहा है, आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट्स, ठीक है, ये थीम है या एक तरह से मुख्य विषय है। फिर आप देखेंगे विश्व वन्यजीव दिवस का मनाया गया 3 मार्च 2020 को, मुख्य विषय क्या है, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑफ अर्थ। आप देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मनाया गया 28 फरवरी 2020 को मनाया जाता है, और इस बार भी आपका 28 फरवरी को ही मनाया जाता है हर बार, तो इसमें थीम क्या रही है, विज्ञान में महिलाएं, मुख्य विषय विज्ञान में महिलाएं। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस
21 फरवरी 2020 को मनाया गया। थीम क्या रही है? भाषाई विविधता की सुरक्षा करना। फिर आप देखेंगे विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2020 को मनाया गया है। अभियान का मुख्य विषय क्या रहा है? आई एम आई बिल। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2020 को मनाया गया है। आर्द्रभूमि और जैव विविधता इसका मुख्य विषय रहा। एक बात और आपको बता दूं, आप लोग इंग्लिश से इसका वर्जन देख लिया करिएगा, और पेपर में भी जब अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सॉल्व करने में या कुछ गलत लिखा है तो अंग्रेजी का जो भी उसमें रहता है अनुवाद उसे भी देख लिया करिएगा, भले ही आप लोग हिंदी मीडियम के हैं, क्योंकि मैंने देखा है कई बार क्वेश्चन आपका हिंदी में गलत छप जाता है और अंग्रेजी में आपका कुछ सही, तो आप लोग मैंने भी इस तरह से कई बार देखा है, तो आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान दिया करिएगा। एक क्वेश्चन को 2 बार कम से कम पढ़ लिया करिएगा, तभी आप लोग मेन कॉपी में जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आंसर लगाया करिएगा, ठीक है? हड़बड़ाया मत करिएगा। 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2020 को मनाया गया। इस बार का थीम क्या रही, विषय क्या रहा है? मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2020 को मनाया गया। मुख्य विषय क्या है? लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। पर आपने देखा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया 18 दिसंबर 2019 को, और इसका मुख्य थीम या विषय क्या रहा है? बी टुगेदर। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर 2019 को, और मुख्य विषय क्या रहा है? युवाओं के लिए पहाड़ों के मायने, युवाओं के लिए पहाड़ों के मायने। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर 2019 को, मुख्य विषय क्या रहा है? मानव अधिकारों के लिए युवा खड़े हों। फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया है 5 दिसंबर 2019 को, मुख्य विषय क्या रहा है? समावेशी भविष्य के लिए स्वयंसेवक, समावेशी भविष्य के लिए स्वयंसेवक। एक बात और आपको बताना, जिस क्षेत्र में आप लोग मन से पढ़िए उस क्षेत्र को उसी में आप लोग करिए। आप लोग कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आप लोग मन लगाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं खेल में आजकल कोई पीछे नहीं है। एक समय आप देखते थे कि कोई खेलता था तो आप रोकते थे परिवार वाले, आज बच्चे नाम कमा रहे हैं। या फिर आप लोग पर्वतारोही, इस तरह से आप माउंटेन भी कर सकते हैं, माउंटेन आप समझिए बहुत बड़े नाम और सब कुछ पैसा है। तो जिसमें भी आपका मन लग रहा है, मान लो चला कि आपको परीक्षा में मतलब पढ़ाई में मन है नहीं है और आप जबरदस्ती ठेले पड़े घर वालों की वजह से, तो मत करिए, ठीक है? ऐसा विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2019 को, मुख्य विषय है मृदा क्षरण को रोकें और हमारा भविष्य की, हमारे भविष्य की रक्षा करें। ये विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2019 को, मुख्य विषय क्या है? मृदा क्षरण को रोकें और हमारे भविष्य की रक्षा करें। फिर आप देखेंगे भारतीय नौसेना दिवस, ये 4 दिसंबर 2019 की बात है। याद रहे कि यह दिवस वर्ष 1971 की युद्ध में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर विजय की स्मृति में मनाया गया है। आप जानते हैं कि इसके बाद बांग्लादेश नया देश बना था, ठीक है? इससे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर 2019 की बात है मनाया गया, और विषय क्या रहा है? दिव्यांग व्यक्तियों उनके नेतृत्व की भागीदारी को बढ़ावा देना और 2030 तक 30 विकास एजेंडा पर कार्रवाई करना। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया, 2 दिसंबर को। उल्लेखनीय है कि यह दिवस 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में जीवन खोने वाली बाले लोगों की स्मृति में मनाया गया। आप लोगों को नीचे लिखना है कौन सी गैस थी जिससे रिसाव हुआ था, इस त्रासदी हुई थी, मैं बता चुका हूं पीछे, और कई बार कई किताबों में मैं इसका उल्लेख भी कर चुका हूं, ठीक है? आपका पूरा एमपी जब स्पेशल मैंने पढ़ाया था तो आपने देखा है एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाहर कुछ जाएगा, तो आप लोग उसे देखिए। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2019 को, मुख्य विषय क्या रहा है? समुदाय बदलाव लाते हैं, ठीक है? एक तरह से थीम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर 2019 को, मुख्य विषय ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वलिटी स्टैंड्स अगेंस्ट रेप, ठीक है? विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2019 को, तो इसका थीम क्या रही है, विषय क्या है? कोई पीछे ना छूटे। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2019 को, मुख्य विषय क्या है? परिवार और मधुमेह। चौथा आयुर्वेद दिवस 25 अक्टूबर 2019 को, आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष धनवंतरी दिवस धनतेरस के दिन यह दिवस मनाने का निर्णय लिया था, ठीक है? तो याद रखिए। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2019 को मनाया गया, मुख्य विषय हमारी कार्रवाई की ही हमारा भविष्य, एक भुखमरी रहित विश्व के लिए स्वास्थ्य भोजन, ठीक है? फिर आप देखेंगे विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर 2019 को,
यह दिवस भारत की पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाली प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर आप देखेंगे ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, तो 15 अक्टूबर 2019 को इसका मुख्य विषय क्या रहा है? सभी के लिए स्वच्छ हाथ, सभी के लिए स्वच्छ हाथ। ठीक है, आगे चलते हम लोग। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस आप जानते हैं 11 अक्टूबर 2019 को मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या रहा है? गर्ल कोड्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल। ठीक है, फिर आप देखेंगे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 2019 को मनाया गया, आत्महत्या की रोकथाम के लिए। ठीक है, इस बार का थीम क्या रहा है? आत्महत्या की रोकथाम। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग सुसाइड करते हैं आजकल, समझ रहे हैं? तो इसी एक तरह से जागरूक करने के लिए। फिर आप देखेंगे विश्व पर्यावास दिवस 7 अक्टूबर 2019 को मनाया गया, अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। तो इस बार आपका नवंबर मतलब 7 अक्टूबर 2019 को पड़ा, अगली बार हो सकता है अलग डेट हो, तो अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार जरूर याद रखिए। मुख्य विषय क्या रहा है? फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एज एन ए इनोवेटिव टूल टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट टू वेल्थ। ठीक, फिर आप देखेंगे विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 2019 को मनाया गया, इस बार की थीम क्या रही? युवा शिक्षक पेशे का भविष्य। ठीक है, फिर आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2019 को मनाया गया, मुख्य विषय क्या है? द जर्नी टू एज इक्वालिटी। फिर आप देखेंगे विश्व हृदय दिवस मनाया गया है कब? 29 सितंबर 2019 को, मुख्य विषय क्या रहा है? माई हार्ट योर हार्ट। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस आप देखेंगे 27 सितंबर 2019 को मनाया गया, मुख्य विषय क्या है? पर्यटन एवं रोजगार सभी के लिए बेहतर भविष्य। ठीक, इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इस दिवस को मनाने के लिए भारत नई दिल्ली को मेजबान देश चुना गया था, तो इस पॉइंट को भी याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर 2019 को मनाया गया, सितंबर माह का अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की थीम और बता देता हूं क्योंकि आगे अगले पेज में है, तो अभी सुन लीजिए, बाद में भी देख सकते हैं। समुद्री समुदाय में महिलाओं को सशक्त बनाना इस बार की थीम रही है। विश्व समुद्री दिवस आपका 26 सितंबर 2019 को मनाया गया, सितंबर माह का अंतिम गुरुवार मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस के रूप में। और इस बार की थीम क्या रही है? मुख्य विषय क्या रहा है? समुद्री समुदाय में महिलाओं को सशक्त बनाना। ये अब आपके अन्य प्रमुख वर्ष और दिवस भी दिया गया है, इन्हें भी देख लेते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर 2020 को मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय दास व्यापार और उनके उन्मूलन का स्मृति दिवस 23 अगस्त 2020 को मनाया गया, भारतीय अक्षर ऊर्जा दिवस 20 अगस्त 2020 को मनाया गया, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त 2020 को मनाया गया, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त 2020 को मनाया गया, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2020 को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2020 को मनाया गया, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई 2020 को मनाया गया, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2020 को मनाया गया, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई 2020 को मनाया गया, विश्व बाल निषेध दिवस 12 जून 2020 को मनाया गया, विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2020 को मनाया गया, वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून 2020 को, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2020, विश्व थायराइड दिवस 25 मई 2020, विश्व कछुआ दिवस 23 मई 2020, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई 2020, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई 2020, अंतर्राष्ट्रीय विकास दिवस 16 मई 2020, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 2020, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 2020, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई 2020, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई 2020, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल 2020, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2020, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020, और विश्व पुस्तक एवं कॉपी राइट दिवस 23 अप्रैल 2020, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 2020, वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल 2020, और विश्व कला दिवस 15 अप्रैल 2020, पहला विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल 2020, मानव अंतरिक्ष उड़ान उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल 2020 को मनाया गया है। ठीक है, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग एक दो बार सुनिए, आराम से याद हो जाएगा। और आप लोगों के पास ऑप्शन भी तो रहता है, स्लो भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है धीमे बोल रहा हूँ तो तेज भी कर सकते हैं, सभी कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल 2020 को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 2020 को, विश्व स्वालीनता और
ट्विज में जागरूकता दिवस 2 अप्रैल 2020, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च 2020, अर्थ ओवर 2020 ये आपका 28 मार्च 2020, विश्व कविता दिवस 21 मार्च 2020, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च 2020, विश्व किडनी दिवस 12 मार्च 2020, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च 2020, विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी 2020, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी 2020, विश्व पेंगोलिन दिवस 15 फरवरी 2020, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2020, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2020, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस ये 9 दिसंबर 2019, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर 2019, अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर 2019, संविधान दिवस 26 नवंबर 2019, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2019, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर 2019, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2019, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर 2019, अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर 2019, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर 2019, 50वां विश्व डाक दिवस कब मनाया गया 9 अक्टूबर 2019, विश्व पशु दिवस ये आपका 4 अक्टूबर 2019, और अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर 2018, माफ करिए 19 होगा, ठीक है। और आप देखें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर 2019, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर 2019, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 21 सितंबर 2019, विश्व प्रथम विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर 2019। याद रखिए अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधार के आप लोग थोड़े विस्तार से नीचे लिख दिया करिएगा, ठीक है। और ज्यादा मत सोचा करिएगा, मैं जानबूझ के कुछ नहीं बोलता हूँ, बस अगर फिर भी हो जाती है तो आप लोग नीचे आप लोग है ना सुधारने के लिए, मैं हो सकता है कि इसी के लिए गलत बोल देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2019 को इस बार की थीम क्या रही है, मुख्य विषय क्या है, शांति के लिए जलवायु कार्रवाई। फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2019 को सहभागिता इस बार का मुख्य विषय है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है, मुख्य विषय क्या रहा है, साक्षरता और बहुभाषावाद। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण दिन सप्ताह या फिर आप लोग दिवस कह लीजिए, जो भी कहना हो आप लोगों को। तो ये छोटा सा टॉपिक हम लोग रखते हैं, आगे हम लोग पुस्तकों के बारे में बात कर लेंगे 2019-20 में जो भी पुस्तकें आपकी चर्चा में रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुस्तकों से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें भी हम लोग देख लेंगे।